यह आकाशवाणी का राजधानी चैनल है। मीडियम वेव 450.5 मीटर यानी 666 किलोहर्ट्ज पर। हमारे मेहमान इस क्रम में आज सुनिए इमेज कंसल्टेंट संगीता सिंधी बहल से एक खास बातचीत। इनसे बात कर रहे हैं चंद्रमोहन। संगीता, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। एक्ट्रेस, एयर होस्टेस, मॉडल और इमेज कंसल्टेंट, कुछ और भी बाकी है क्या? यही काफी है। इतनी सारी चीजें और एक संगीता सिंधी बहल। ये शुरुआत बहुत ही पहले हुई थी, जब मैं खाली 16 साल की थी और मेरे दिल में भी एक उमंग थी कि मैं कुछ नया करूं। और जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, जिसमें मेरी मदर की शादी बहुत जल्दी हुई, तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा था कि वो मेरी शादी जल्दी कर देंगे, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। जम्मू एंड कश्मीर में मेरा बर्थ हुआ, जम्मू मेरा होम टाउन है, और पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली आई और वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। तो माँ बाप चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए, पर कैसे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ गई आप? ऐसी बात नहीं है, उनकी भी मैं बात मानती रही। 14 साल की उम्र में मेरे जो नेबर्स थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बहुत इनफॉर्मली बात की कि आपकी लड़की कि हमारे लड़के के साथ इंगेजमेंट करवा दो, शादी बाद में करवा देंगे। लेकिन मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ये इतनी मैं छोटी भी 14 इयर्स की हूँ और ये कैसे हो सकता है। तो समहा वो बात टल गई। विरोध किया आपने? नहीं, मैंने उनको यही बोला कि मैं तो खाली 14 इयर्स की हूँ, 18 इयर्स तक तो मुझे पढ़ने तो दो। मम्मी मान गई, लेकिन मेरे फादर इंसिस्ट कर रहे थे कि इंगेजमेंट कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, हमारा भार खत्म हो जाएगा, जो कहते हैं गर्ल्स को जल्दी से शादी करके। भारी तो आप बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स ऐसे समझते हैं, मैं ऐसे समझती नहीं हूँ, कुछ और ही लिखा हुआ था मेरी लाइफ में। जो और लिखा था आपकी लाइफ में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन संगीता पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इमेज कंसल्टेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये कोई नया कॉन्सेप्ट है और बहुत कम लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ा बताएंगे कि ये इमेज कंसल्टेंसी क्या होती? हाँ, ये बहुत ही नया प्रोफेशन है। जब मैंने शुरू किया था 2005 में, तब बहुत ही कम लोग थे जिनको ये बात समझ आती थी। अब 1-1.5 साल से तो लोगों को पता है और पूरे इंडिया में ये फैल रहा है। इमेज कंसल्टेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। अपीयरेंस, आप कैसे लगते हैं, कैसे बाल हैं, कैसा स्किन है, आपको क्या कलर पहनना चाहिए, पूरा आउटर और इनर अपीयरेंस। दूसरी चीज है बिहेवियर, जैसे आपका बर्ताव है दूसरे लोगों के साथ, और उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मैनरिज्म्स, आपके एटिकेट, किसी भी सराउंडिंग में, कंपनी में हो, घर में हो, एक तरह से तौर तरीका होना चाहिए बिहेव करने का। और कम्युनिकेशन, कि आपका बोलना चालना कैसा है, आप ठीक तरह बोलते हैं, आप सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो ABC इज इमेज कंसल्टेंसी। तो आपको लगता है कि इस ABC को बदला जा सकता है? इस ABC को अडेप्ट किया जा सकता है। मेरा ये कहना है और मैं मानती हूँ कि हर एक पर्सन, मैन, वुमन, बच्चा, टीनेजर, वो अपने में एक यूनिक क्वालिटी को ढूंढ के उसको उभार सकता है, अपना पोटेंशियल निकाल सकता है। और इम्पैक्ट इमेज कंसल्टेंट्स यूनिक चीज़ जो है उसी को देख के उसको स्ट्रेंथ बना के हम बाहर निकालेंगे। कहना चाहती हैं कि लोगों के अंदर जो हुनर, जो टैलेंट छुपा हुआ है, उसको नर्चर करने की बात कही जाए या उसको निकाल के लाने वाली बात है? हाँ, क्योंकि एक तो इतने साल एक्सपीरियंस है, 80 से 90 नेशनैलिटीज पूरे दुनिया में उन लोगों के साथ मैंने काम किया है, और 25 साल से भी ज्यादा हो गए मेरे वर्क एक्सपीरियंस में, तो ये सब बातें मैं आराम से समझ सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ। हमें बता सकती हैं कि कैसे ढूंढती हैं आप उनके हुनर को? आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो पहले 3 सेकंड में ही बैठ जाता है। जैसे आप आते हैं, आपका लोग हुलिया देखते हैं, आपकी ड्रेस देखते हैं, उसमें जब आप बोलते हैं और आपका व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें पहले 30 सेकंड के अंदर सबके सामने समा जाती हैं। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये सब चीज़ें देख के कुछ इम्प्रेशन तो बैठ जाते हैं, क्योंकि आप
कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी स्माइल को चेंज नहीं कर सकते अगर अंदर से नहीं आ रही। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं गेज कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि इस इंडिविजुअल को या इस कंपनी को ऐसे हमको अप करना है। 3 सेकंड तो बहुत कम वक्त है, हमें आपके पास बैठे हुए भी काफी वक्त हो गया है, कुछ बता पाएंगे कि आपने क्या जज किया? 3 सेकंड में कंफर्ट लेवल होता है। सबसे पहले नजरें मिलती हैं, आप किसी को मिलते हो, अगर आपको कोई लोग जनरली फेस टू फेस नहीं देखते तो उसमें लोग कॉन्फिडेंस दिखता है। फिर वो कैसे बैठता है, तब तक वो 30 सेकंड तक चलता रहता है, और बाद में आपके साथ अगर आप बात कर रहे हो वो आपके ध्यान से बात सुन रहा है कि नहीं। सो ABC बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पता चल जाती है। ज़रूरी नहीं है किसी को बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए, इसमें आपकी खूबसूरती जो है वो अंदर से दिखनी चाहिए। टाइम हो गया काफी आपसे बात करते हुए, फोन पे भी आपसे बात हुई है, बताएं जरा चंद्रमोहन की ABC क्या है? मेरी आपके साथ बैठ के जब भी बातचीत हुई है या फोन पे बात हुई है, एक कंफर्ट लेवल है जिसके साथ मेंटल कैपेबिलिटी जो मिल जाती है, किसी के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, और यही कंफर्ट इमेज कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां, चेहरा पॉलिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, सीखो करतब नए नए, फैशन के ढब नए नए, ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलवाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। संगीता, हमने एक किताब पढ़ी थी जो एक अमेरिकन राइटर की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपकी थ्योरी इसी पे आधारित है क्या? वन पार्ट ऑफ इट, बिहेवियर और कम्युनिकेशन, उसमें पर्सनल अपीयरेंस इतना ज़्यादा मैंने नहीं रखती, लेकिन बिहेवियर, जैसे मैंने आपको भी बोला कि वो मैंने देखा कि योर बिहेवियर इज़ योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कहते हैं ना सारी चीज़ें जब शुरू होती हैं वो घर से शुरू होती हैं, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो सदियों तक चलती हैं। कोई भी आपको कुछ कहेगा आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा ब्रिंग अप किया है। तो ये जो बिहेवियर है ये रेख देख से होता है, आप अपने एल्डर्स को मानते हैं, घर में अगर रिस्पेक्ट है तो आप बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली करेंगे क्योंकि वो आपने देखा है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बिहेवियर पैटर्न से ही शुरू होता है। उसमें आप अपने आप को कैसे वार्म्थ में दिखाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बातें सुनते हैं, और ये सब चीज़ें कनेक्ट करती हैं, बॉन्ड करती हैं लोगों को, और फिर आप इजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो भी आपका जजमेंट होता है कितने प्रतिशत आप सही पाती हैं अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति को जज करने में? आई थिंक 99.9%। ये एक इंस्टिंक्ट की भी बात है और एक तजुर्बे की भी बात है। ये कहना चाहती हैं कि आपको धोखा देना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। चलिए संगीता, आपके बचपन की तरफ दोबारा से लौट कर चलते हैं और बात आपकी पढ़ाई लिखाई की करते हैं। मेरा बचपन बहुत ही लविंग एनवायरमेंट में था। हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और एजुकेशन पे मेरे मदर ने बहुत ध्यान दिया कि हम बेस्ट स्कूल्स में जाएं, और हमेशा कॉन्वेंट स्कूल्स में ही मेरी लिखाई पढ़ाई हुई है। और क्योंकि बड़ी थी तो हमेशा शरारती मेरे भाई बहन थे, उनकी मुझे कवर अप करना पड़ता था क्योंकि मैं प्रोटेक्टिव भी थी। बट स्टडीज वाइज हमारा एक माहौल था घर में कि स्कूल से आके सब बैठ जाते थे एक साइड पे पढ़ने के लिए, और उसके बाद ये एक सेट पॉइंट था कि खेलना बाद में लेकिन पढ़ाई पहले। बचपन में अगर आपने शरारत नहीं की तो फिर क्या किया? शरारत ऐसे ज्यादा से ज्यादा यही करे कि कॉन्वेंट स्कूल में थे, वहां पर हम नंस के साथ मिक्स थे, और नंस जो आयरलैंड से थी, इंग्लैंड से थी, हमको ये बहुत उत्सुकता होती थी कि उनकी हैबिट, वो जो पहनते हैं सिर पे, उसको हैबिट कहते हैं, उसके अंदर क्या है, हम उनका वो उठा के देखते थे अंदर क्या है। क्योंकि कई लोग कहते थे कि ये जो नंस होती हैं ये अपने सारे हेयर को शेव कर लेती हैं बिकॉज दे आर द प्रीचर्स ऑफ गॉड, तो हम वो पीछे से जाके खोल के देखते थे कि कुछ उनकी कोई उन्होंने बाल अपने कोम किए हुए हैं या ऐसे ही है कुछ,
और फिर हम भाग जाते थे। इस तरह की चीजें मैं करती थी, बाकी मैं वेल बिहेव्ड ही थी। आगे चलते हैं संगीता जी। 10th का मैंने एग्जाम दिया और 11th को मैं एक और कॉलेज में गई, MIER। वहाँ पर उन दिनों में 12th नहीं होती थी, खाली 11th होती थी। तो हमारी जैसे हर जगह छुट्टियाँ होती हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ थी। जम्मू में मैं थी और मेरी एक मासी रहती थी दिल्ली में, उनकी और मेरी बहुत बनती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके मम्मी पापा माइंड नहीं करेंगे तो एक पार्ट टाइम जॉब कर लो, दिल्ली में तो बहुत जॉब्स मिलते हैं, पार्ट टाइम कर लो और टाइम भी बीत जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इंग्लिश तो अच्छी तरह बोलती ही हो। तो ऐसे ही मेरे को एक सेल्स गर्ल का जॉब मिल गया और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ मिला जो आज तक मेरे दोस्त हैं। किस तरह का काम होता था वो? एक बुटीक थी, बहुत हाई फैशन बुटीक थी। तो मैं फैशन इंडस्ट्री में चली गई, उनके क्लाइंटेल बहुत अच्छे थे। अमिताभ बच्चन जी की जो लेट मदर हैं तेजी बच्चन, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी और मैं उनको सजेस्ट करती थी आप ये वाला खरीदिए, उनके पास सूट्स एंड साड़ीज थे। तो वो करते करते मेरा एक्सपोजर मॉडलिंग में भी हो गया। इन लोगों ने ही, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने ही, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, उन्होंने बोला कि तुम बहुत प्रिटी हो, आपको हम सन, उन दिनों में एक सन मैगजीन भी होती थी, अपने आप को देखना है सन मैगजीन के कवर पे देखना है। तो ये वाली चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप हमारे कपड़े पहन लो, आपको हम कवर पे छपवा देते हैं। तो मेरा कवर पे छपा, तब मैं 16 ईयर्स की थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार